दोस्तों, क्या आपको भी ये लगता है कि यहां तक तो पहुंच गए, आगे कैसे? यहां तक तो जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर लिया, आगे क्या? जितना मुझे आता था, जितना मैंने सीखा था, उसका रिवार्ड्स तो मैं ले चुका हूं, जॉब में, बिजनेस में, लाइफ में। अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या आप सक्सेस को और पाना चाहते हैं? क्या आप लाइफ में और सक्सेसफुल होना चाहते हैं? तो जी हाँ, इन सारे सवालों के जवाब आपको वीडियो में मिलेंगे। मैं आपका दोस्त रमेश मल्होत्रा एक बार फिर से इसके लिंक में आपका स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। यहां तक तो पहुंच गए, यहां तक तो अचीव कर लिया, आगे क्या? जितना आता था, जितना लाइफ में सीखा था, जितने स्किल सीखे थे, सब खत्म हो गए हैं, आगे बढ़ना है। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं आप। क्या करना है? डेली एक घंटा, जी हाँ, 1 hour a डे टू हेल्प यू अचीव योर सक्सेस और टू हेल्प यू अचीव मोर सक्सेस। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपसे ये शेयर करने वाला हूं कि कैसे आप एक घंटा डेली का खुद को देके, जी हाँ, आप ही की जिंदगी से अगर एक घंटा डेडिकेटेडली आप खुद को देते हैं, तो आपको कैसे और सक्सेस मिल सकता है, कैसे आप और सक्सेसफुल हो सकते हैं, कैसे आप और आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, बट एक बात जरूरी है कि आगे बढ़ने के लिए एफर्ट चाहिए होंगे, आगे बढ़ने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आगे बढ़ने के लिए आपको नए चीजें सीखनी पड़ेगी, आगे बढ़ने के लिए आपको सेल्फ में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं आपको तीन हैक्स बताने वाला हूं, तीन टिप्स बताने वाला हूं, जो आप करेंगे तो गारंटीड आपको और सक्सेस मिलेगा, आप लाइफ में और सक्सेसफुल होंगे। जहां अभी खड़े हैं, 2 साल बाद कामयाबी आपको मिलेगी। अभी आप सफर स्टार्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ का, तो आप टिप्स को अपना सकते हैं, या फिर अगर आप मिड लाइफ में है, 40-45 की एज के आसपास है, तब भी आप कर सकते हैं। इन शॉर्ट, आप इनके थ्रू और लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं, करंट सक्सेस लेवल को आप और ऊपर लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों, पहला टिप में जो मैं आपको दे रहा हूं वो ये है कि जो भी आपका फोटे है, जो भी आपका स्किल है, जो भी आपका फील्ड ऑफ वर्क है, उसके आप एक्सपर्ट बन जाइए। जी हाँ, आप एक घंटा उसको दीजिए, उसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे जितने वीडियो देख सकते हैं, जितने आप अपने स्किल को और उजागर कर सकते हैं, जितना आप अपना स्किल और बेहतर कर सकते हैं वो करिए। उसके बारे में, उससे रिलेटेड अगर आपको कोई कोर्स करना है, कोई डिप्लोमा करना है, कोई सर्टिफिकेशन करना है, किसी से ट्रेनिंग लेनी है, तो ये सब आप कर सकते हैं। कहने की बात ये है कि अपने करंट प्रोफेशन में आप जितने एक्सपर्ट बनेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, तो वो एक्सपर्ट लेवल आप बढ़ा दीजिए, तो एक घंटा आप वहां दे सकते हैं। यदि आप ये लगातार 3 साल तक करते हैं, तो निस्संदेह आप अपनी फील्ड में टॉप पर पहुंच जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी करता हूं, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं, ये मैं आपको पूरे आश्वासन के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने 3 साल डेडिकेटेडली अपनी फील्ड को दिए और डेली एक घंटा उसमें आपने स्पेशली खुद की डेवलपमेंट में यूज किया, उस फील्ड को लेके, मान लीजिए आप डिजिटल मार्केटिंग में हैं, मान लीजिए आप ग्राफिक डिजाइनिंग में हैं, मान लीजिए आप सेल्स में हैं, आप एचआर के फील्ड में, आप इंजीनियरिंग है, आप उसके जितने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनते रहेंगे, आपको आपकी फील्ड में उतना ही बेनिफिट होने वाला है। 3 साल के अंदर अगर आप ये काम लगातार करते हैं, आप अपनी फील्ड में टॉप पे पहुंच जाएंगे, बट डेडिकेशन आपको इसमें, ऑनेस्टी रखनी पड़ेगी। 5 साल लगातार आप ये काम करते हैं, अपनी फील्ड की सारी नॉलेज लेते हैं, उसमें और एक्सपर्ट बनते हैं, उसके टिप्स एंड टूल्स एंड ट्रिक्स और जानते हैं, तो आप एक नेशनल लेवल पे अपने लिए नाम बना पाएंगे। और अगर यही काम आप लगातार 7 साल तक करते, तो आपको इंटरनेशनल फेम इसमें जरूर मिलेगा। बात सारी है कि आप कितने डेडिकेशन के साथ, कितनी ऑनेस्टी के साथ अपनी फील्ड में रहते हैं, अपनी फील्ड को और जानते हैं, अपनी फील्ड को और समझते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप किसी लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, आप कोई स्पेशल ट्रेनिंग ले सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा। कहने का अर्थ है कि एक घंटा डेडिकेटेडली अपनी फील्ड में ग्रो करने के लिए, अपनी रिक्वायर्ड फील्ड, आपकी जो प्रोफेशनल फील्ड है उसको समझने के लिए
करें। हैक नंबर टू या टिप नंबर टू क्या है इसमें, आपकी जो भी एनुअल इनकम है उसका 3% आप सेल्फ डेवलपमेंट या खुद की डेवलपमेंट पे लगाना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, सही सुना आपने, जो भी आपकी एनुअल इनकम है, जितनी भी आपकी एनुअल इनकम है उसका मैं सिर्फ 3% कह रहा हूं, एटलीस्ट 3% आप खुद पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। वो बुक्स की फॉर्म में हो सकता है, वो ट्रेनिंग की फॉर्म में हो सकता है, वो एक्सरसाइज की फॉर्म में हो सकता है, बट मेरा मानना यहाँ पे ये है कि वो डेडिकेशन के साथ आपको करना पड़ेगा। ज्यादा नहीं, 3% ऑफ योर एनुअल इनकम आप खुद पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। बल्कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं, मैं उसको सेल्फ इन्वेस्टमेंट बोलूंगा। आप अपनी फील्ड के बारे में सीख रहे हैं, आप अपनी बॉडी को हेल्दी कर रहे हैं, आप अपने माइंड को हेल्दी कर रहे हैं, तो 3% अगर आप लगाएंगे तो आगे जाके उसके रिटर्न्स आपको मिलेंगे। स्टडीज ये कहते हैं कि लगातार 2 साल तक अगर आपने 3% सेल्फ पे इन्वेस्ट किया है डेडिकेटेडली, पर्सनली, प्रोफेशनली, अपने प्रोफेशन पे या अपने माइंड को और शार्प करने में, तो 2 से 3 साल के बाद आप उस प्रोफेशन में एक्सपर्ट बन जाएंगे और आपको दोबारा फिर से कभी मनी की चिंता की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक मनी का ऑटोमेटिक फ्लो आपके लिए बन जाएगा और आप मनी वाइज बढ़िया करना शुरू कर देंगे। आमतौर पे स्टडीज में ऐसा देखा गया है, काफी यूनिवर्सिटीज में स्टडी हुई है कि अगर आप खुद पे 1 रुपया लगाते हैं तो 3 साल बाद वही एटलीस्ट 20% रिटर्न आपको देता है। इसके लिए एक बहुत बढ़िया तरीका यह है कि आप एक बुक रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यह बुक रीडिंग काफी इफेक्टिव एक टेक्निक, काफी इफेक्टिव एक टूल माना गया है। अगर आप एक हफ्ते में, अगर डेली एक हफ्ता 1 घंटा, जी हाँ मैं शुरू से 1 घंटे की बात करूं, 1 घंटा बुक पढ़ते तो ऑन एन एवरेज आप 1 हफ्ते में 1 बुक खत्म कर देंगे। तो इस हिसाब से आपने साल में कम से कम 50 बुक्स खत्म कर दी, तो 10 साल में आपने 500 बुक्स पढ़ ली। बुक्स आपके दिमाग को एज अ पॉजिटिवनेस फीड कराता है, आपके दिमाग में नए आइडियाज आते हैं और क्रिएटिविटी आपकी उजागर होती है, आप अपने फील्ड में और कर पाएंगे बेहतर। आप समझिए कि आपने अगर डेली 1 घंटा बुक रीडिंग करी है तो 50 बुक्स आपने पूरे साल में पढ़ी है अपनी फील्ड से रिलेटेड या अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, तो आपकी नॉलेज एटलीस्ट 50 टाइम्स किसी एमेच्योर से बेटर है। तो 50 टाइम आपकी नॉलेज ज्यादा हो गई है, तो प्रोग्रेसिवनेस आपकी लाइफ में ज्यादा रहेगी। 2 टिप्स मैंने अब तक आपसे शेयर किए। पहला ये था कि 1 घंटा आप जो है अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कोई बुक पढ़िए, कोई उस पर ध्यान दीजिए। दूसरा मैंने आपको ये बोला था 1 घंटा आप खुद में इन्वेस्ट करिए, चाहे प्रोफेशनली, पर्सनली, जैसे मर्जी। तो दोनों में से यदि एक काम भी आप कर रहे हैं तो स्टडीज ये कहती हैं कि एक एवरेज इंसान के मुकाबले 7 साल में आपकी इनकम डबल हो जाएगी। आमतौर पर स्टडीज में देखा गया है कि एक एवरेज इंसान जो ये सब काम नहीं करता उसकी इनकम साल में सिर्फ 1% बढ़ती है, तो वो ना के बराबर ही है। तो बट आप यदि खुद को 1 घंटा डेडिकेटेडली देंगे, जो टिप 1 और टिप 2 मैंने शेयर किया है, तो टिप 3 यही है कि अगर आप दोनों को डेडिकेटेडली करते हैं या दोनों में से कोई एक चीज भी आप करते हैं तो 7 साल में आपकी इनकम डबल हो जाएगी। मान लीजिए आपने 20 साल की उम्र में कमाना शुरू किया है तो 27 साल तक आपकी इनकम डबल हो जाएगी, फिर 34 साल में दोबारा डबल हो जाएगी, फिर 41 साल में दोबारा डबल हो जाएगी, इस हिसाब से बढ़ती रहेगी। यानी कि लगभग 20 साल में आप 4 गुना ज्यादा कमा रहे होंगे करंट पैकेज से, जो स्टडीज के हिसाब से दुनिया में मात्र 3% लोग ऐसा कर पाते हैं। तो आप दुनिया के टॉप 3% वेल्दी लोगों में से, सक्सेसफुल लोगों में से आ जाएंगे। दोस्तों करना क्या है, 1 hour a day विल मेक द डिफरेंस। तो 3 टिप्स मैंने आपसे शेयर किए जो आप कर सकते हैं, जिससे आप अपने 1 hour को इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज्यादा नहीं कह रहा मैं आपसे, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर डेली या 1 घंटा आप खुद को देते हैं, चाहे वो फिजिकली हो, प्रोफेशनली हो या पर्सनली हो या बुक रीडिंग की फॉर्म में हो, आपको सक्सेस गारंटीड मिलेगी ही मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपसे 3 टिप शेयर किए कि कैसे आप अपने सक्सेस को और इंक्रीज कर सकते हैं या सक्सेस और करने के लिए क्या आपको ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड अपनाने पड़ेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे बेल आइकन को प्रेस करिए। कमेंट्स में आप हमें और बता सकते हैं किस तरह के वीडियो आपको और देखना प
पसंद है, उसी तरह की वीडियो हम आने वाले टाइम में आपके लिए लेके आएंगे। धन्यवाद।